तो भाई साहब यार यही है प्राइम मिनिस्टर की गोल्ड लिमोजिन। यार कितना अच्छा कलर लग रहा है दूर से इसका। तो भाई साहब देख रहे हो यार कितनी तबाही मचा दी है, पुलिस हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब यार आज की वीडियो को पूरा देखना, आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो भाई यार आज के दिन की बात कर लेते, तो यार इसको देखो कैसे भाग गया हल्की सी टक्कर में। तो भाई गिरा भी नहीं भाई, देख रहे हो बंदा कैसा उछलता उछलता गया ये। तो यार अब इस समय हमें कोई गाड़ी चाहिए होगी। तो यार पहले ही माफिया का खतरा अलग है, तो यार लेस्टर तो हमें और ही मिशन दे देता है। तो लेस्टर कह रहा कि हमें गोल्ड लिमोजिन चोरी करनी है, तो उसकी स्टील रोबरी करनी है प्राइम मिनिस्टर की है। यार यार ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस समय तो माइकल और ट्रेवर दोनों घर पे हैं, और फ्रैंकलिन यार जैसे आपको पता ही है पिछली वीडियोज में हम माइकल के लिए कपड़े देने आए थे, तो इस समय यार मैं अकेला घूमने आया था सिटी में। तो यार लेस्टर ने ऐसा काम दे दिया। तो भाई ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, मुझे लग रहा है जिस बंदे को हमने धक्का मारा ये उसी की गाड़ी है। तो यार आज का मिशन भी जल्दी जल्दी हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको पता है यार माफिया गैंग और बलास गैंग और जितनी तीन चार और गैंग, बाइक गैंग वगैरह अपनी दुश्मन बनी पड़ी है इस समय। तो यार इस समय मैं अकेला हूँ, और माइकल और ट्रेवर भी मेरे साथ नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यार जल्दी जल्दी आज का मिशन करते हैं, अगर हो सका अपने से तो, अगर मुश्किल लगा तो यार नहीं करेंगे, तो पैसे का सवाल लेस्टर का था। अगर अकेले में जाओगे तो जल्दी जल्दी चोरी कर लेना उसको, अगर नहीं कर पाओगे तो रहने देना कोई बात नहीं, क्योंकि यार वो भी कह रहा है अगर दो तीन जने जाओगे तो रिस्की हो जाता है, क्योंकि तीनों को इकट्ठे भागना होता है साथ में, तो यार अगर एक जना पीछे रह जाता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी करके मैं अकेला आया था बाहर घूमने के लिए। तो यार लेस्टर का एक ही लक तो कॉल आया कि ऐसा बड़ा मिशन मिल गया हमें, प्रोजेक्ट मिला है। तो यार लेस्टर आपको बताइए हैकर बंदा है पूरा, घर पर बैठे बैठे पूरा लॉस सैंटोस घूम लेता है वो। तो भाई यही है लोकेशन, तो यहाँ से करते हैं स्नाइपर से जूम। तो भाई साहब लेस्टर बिल्कुल सही कह रहा था, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, यहाँ पर स्पीच चल रही है। यार एक तो यार लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से कोरोना वायरस करके केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लॉस सैंटोस में भी बहुत केसेस हैं। इसको देखो यार पूरी मीटिंग बिठा कर बैठा है यहाँ पे, जैसे ये दवाई बांट रहा था कोरोना वायरस की। तो भाई यार इसको तो मन कर रहा मैं यही, ओ तो भाई यार मैं तो वैसे जूम करके देखा तो यही है गोल्ड लिमोजिन, तो इसी को चुराने को कह रहा था लेस्टर अपने को। तो यार इसके क्लोज चलना पड़ेगा अपने को, यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो यार मैं कह रहा था यहीं से बजूका मारते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर के और जितने भी उसके बंदे हैं, तो यहीं से फट जाएं, पर यार अगर यहीं से करेंगे यार तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार उनके क्लोज ही चलना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर यार मैं बिल्कुल ही क्लोज जाने वाला हूँ उनके। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं रिएक्ट करना कि मैं चोर हूँ, कि मैं वो गाड़ी चुराने आया हूँ, बिल्कुल हम नॉर्मल पीपल की तरह जाएंगे, तो आराम से पुलिस वालों से बात वगैरह करेंगे, तो आराम से चलेंगे यार। तो यार मैं बता दूं यार वेस्ट वगैरह तो मैं हमेशा पा कर ही रखता हूं, तो यार मुझे पता है इमरजेंसी मिशन कब भी मिल जाते हैं, और गन्स तो अपने पास हमेशा फुल रहती हैं, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इससे यार। तो आई होप ये जाने दे। तो भाई साहब यार इससे हमने पूछा कि स्पीच के लिए हम आगे जा रहे हैं, तो इसने पहले पूछा कि आधार कार्ड वगैरह दिखाओ कुछ, तो हमने दिखाया, तो इसने बोला चलो जा सकते हो तुम। तो भाई यार ये ना रोक ले अब, ये नमी पंगा पाने के लिए चार बंदे खड़े। ओ भाई हल्की सी टक्कर बज गई इसमें, तो भाई मुझे लगा कि मुझे बोलेंगे, पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो भाई यार इसको यहीं पर लगा देते हैं। तो देख रहे हो यार ब्लैक ब्लैक गाड़ियां पूरी पूरी जेट सिक्योरिटी के साथ है, प्रेसिडेंट की गाड़ी खड़ी है बीच में, गोल्ड लिमोजिन। तो भाई यार इसी को चुराना, कितनी अच्छी लग रही है यार, कितनी बड़ी गाड़ी है ये। तो यार इसका ड्राइवर भी है बाहर प्रेसिडेंट का। तो भाई मैं एंगल देखता हूँ पहले, अगर लेकर भागेंगे तो कहाँ से भागेंगे, अगर अचानक से मैं इस समय लेकर भागूंगा तो बिल्कुल भी नहीं मैं भाग सकता। और ये यार आई होप यार बुलेट प्रूफ तो होगी होगी ये गाड़ी, तो यार हाँ हो ही सकती है क्योंकि प्रेसिडेंट है यार, होगी बुलेट प्रूफ तो इसकी गाड़ी। तो भाई देख रहो कितना क्राउड बैठा है यहाँ पे, तो ये रहा स्पीच दे रहा, मन तो वगैरह इसके थप्पड़ मारूं जाके, पर यार क्या कर सकते हैं इतने बंदों में हम हैं अकेले। तो यार जल्दी जल्दी अब चुराते हैं इसको। तो यार पहले मैं थोड़ा सा एंगल दिखाता हूँ, बदल के देखते हैं कि बदला जैसे दूर से हम मार पाएंगे कि नहीं इनको। तो भाई यार ये कौन खड़े हैं, पुलिस वाले हैं कि कौन है ये। तो देख रहे हो गाइस पुलिस वाले भी यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं, तो यार ये तो ड्यूटी पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कोने पे लगे पड़े हैं, सामने स्पीच चल रही है यहाँ पर ये स्मोकिंग कर रहे हैं, वाह भाई। तो भाई अब तो इसी गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, मैं सोच रहा था पहले उस कॉर्नर पे जाके फायर वगैरह करूँ, पर वो प्लान नहीं बन पाएगा अपना, क्योंकि यार इन्होंने मुझे वहीं पर दबोच लेना, मुझे बिल्कुल भी नहीं आगे जाने देना, मुझे पक्का ही पता है। तो यार इधर से निकलते हैं सीधा बाहर, तो हम यहाँ पर बस तो टूर करने आए थे, थोड़ा बहुत देखने आए थे। तो यार अपने को इतना तो पता चल गया सिक्योरिटी कहाँ कहाँ खड़ी है और कहाँ कहाँ नहीं खड़ी। तो यार अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जल्दी जल्दी चलते हैं, आराम से निकालना पड़ेगा। ओ भाई साहब यार उस पर टच हो गया,
तो यार इतना ध्यान नहीं दे रही है लोग, पता नहीं कैसे हैं पुलिस वाले। तो यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर खड़ा देते हैं गाड़ी को बिल्कुल सामने, तो अपनी पिस्टल में तो सप्रेसर है, तो सप्रेसर वाली पिस्टल दोनों को मारते हैं पहले। तो यार मुझे तो लग रहा है मैं जल्दबाजी बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, पर यार जल्दी जल्दी करना होगा, शाम से पहले पहले लेस्टर ने बोला था। तो भाई अब इन पर, ओ भाई साहब यार पुलिस ही लग गई, हल्का सा ही बिठाया था तो पुलिस लग गई अपने पीछे, 2 स्टार लग गए हैं, तो भाई 3 स्टार हो गए। अब जब मैंने इन दोनों को मारा तो यार अब तो शुक्र करो गाइस, यार इसने बिल्कुल ही चेस्ट पर शॉट दिया मेरे, और वेस्ट हमने पार्क किया है तो यार ज़्यादा एमओ वगैरह पड़ेंगी मेरी, तो वेस्ट भी टूट सकते हैं। तो गाइस यार बिना टाइम वेस्ट करे मैं सोच रहा हूँ सीधा ही अंदर चलते हैं, तो जितने बंदे होंगे उनको उड़ा के फिर गाड़ी लेकर एस्केप हो जाएंगे यहाँ से। जो लीमोजीन है यार वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लीमोजीन है, तो यार शॉर्टकट ही मारेंगे, बिल्कुल उड़ा के चलेंगे जालियाँ वगैरह अब तो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यार मार ही देते हैं बंदूका, देखी जाएगी, वैसे भी मैं कब से प्लान बना रहा था। तो पहले मैंने सोचा है नॉर्मल पीपल हैं पर उनको भी अकल होनी चाहिए, कोरोना वायरस में वैसे स्पीच सुनने आए हैं यार, टीवी पे सुन लो तुम घर बैठ के, तो यार इनको भी बिना बात के पंगा लेने की आदत होती है बाहर बैठ बैठ के। तो भाई देख रहे हो यार कैसे सामने खड़े हैं, इसको देखो कहाँ से चढ़ के आ रहा है, तो इसको ही मारेंगे पहले। वो भाग गया गाइस, मेरा एम पहले पुलिस वालों पे ही बैठ रहा था। तो भाई इसको मारते हैं जो ज़्यादा ही प्रोटेक्शन दे रहा है गाड़ी को। तो भाई बुलेट, ये क्या शीशे टूट रहे, नहीं भाई अच्छा बैठते गाइस पूरे शीशे जुड़ गए इसके। तो यार ऑटोमेटिक है, जैसे अगर इसके अंदर नहीं होगा तो डैमेज होती रहेगी, अचानक से कोई आके बैठ गया तो ये पूरी न्यू बन जाती है, बड़ी अलग टेक्नोलॉजी है गाइस, पहली बार ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ मैं। तो भाई हम जालियाँ वगैरह तोड़ के चल रहे हैं, तो देख रहे हो यार गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको चलाने में, तो इतनी बड़ी है जैसे लग रहा है ड्रैगन चला रहा होता हूँ मैं कोई। तो यार बैनर वगैरह पूरे तोड़ देंगे, अब तो हमें कोई डर ही नहीं है। तो यहाँ से लेंगे हम राइट को, यार लेफ्ट तो पुलिस है, राइट में भी पुलिस है। तो भाई ये जैसे इंतज़ार कर रहा था हमारा कि हम आएँ और ये हमें पकड़ ले, तो भाई हमने तो इसके साथ से कट, ओ भाई देख, ओ भाई हमने तो स्किट मारी तो सीधा ही बजी गाड़ी। तो यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं ड्रैगन को उड़ा रहा होता हूँ रोड के ऊपर। तो भाई गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, वो भी गोल्ड में कितनी अच्छी लग रही है, पूरी चमक रही है। तो गाइज़ यार आपको कैसे लग रही है कमेंट जरूर करना। तो भाई टक्कर मार रहा है ये पीछे से, तो यार कुछ नहीं हो सकता इस गाड़ी को, बुलेट प्रूफ गाड़ी है ये, तो इनको भी पूरी बात समझ में आ रही है कि बुलेट प्रूफ है, तभी करके ज़्यादा जोर वगैरह पा रहे हैं, पूरे टक्करें वगैरह मार के सोच रहे हैं कि तोड़ ही देंगे। तो भाई ये सबसे मेन काम है प्रेसिडेंट का मुंह देखना, तो उसका मुंह तो बेचारे का पूरा ही बन गया होगा कि मेरी गाड़ी ले गया इतनी बड़ी सिक्योरिटी में से एक बंदा, तो इतनी पब्लिक के सामने होगी है मेरी बेइज्जती। तो यार अच्छा ही हुआ यार कोरोना की और स्पीच कराओ, वैसे तो टीवी पर बैठ के स्पीच देनी है जो लाइव में दे रहा है जी पूरी स्पीच को। तो यार जल्दी जल्दी इसकी ही फायरिंग करते हैं पहले। तो यार कैसे बैठा था सामने, तो भाई आगे की तरफ चलते हैं यार, पीछे तो पुलिस हटने का नाम ही ले रही है, FIB वाले आ चुके हैं पूरे। ओ भाई साहब यहाँ पर ड्रिफ्ट मार रहा हूँ पर ड्रिफ्ट में पूरी गाड़ी मुड़ जाती है ये, तो यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसको चलाने में, क्योंकि यार इतनी बड़ी है तो आराम से चलने वाली गाड़ी है, ऊपर से मैं इसको पूरी सुपर कार की तरह भगा रहा हूँ। तो आई थिंक ये 80-90 पे चल रही होगी आराम से, तो यार थोड़े से ऑफ रोडिंग में से चला गया मैं, तो नहीं तो अभी ठोका होता सामने। तो यार मेन मैं सोच रहा हूँ कि सीधा ट्रेन टनल ढूंढते हैं, जो ट्रेन ट्रैक है जो गुफा में चलेंगे उधर शायद ही पुलिस आ पाए अपने पीछे। तो यार ओ भाई देख रहे हो चॉपर वगैरह पूरे आ गए, तो ये तो प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि नॉर्मल चॉपर होते हैं जो पुलिस के वो ब्लैक रंग के होते हैं, तो कुछ और ही लग रहा है मुझे। तो भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा पुलिस पड़ी हुई है, FIB वाले भी पड़े हुए हैं, तो मुझे पता ही है यार मिलिट्री वाले भी फिर ज़रूर आएंगे ही आएंगे अपना टांग अड़ाने बीच में अपने, क्योंकि यार उनसे तो कुछ देखा ही नहीं जाता अपने बारे, हम तरक्की कर रहे हैं कोई। तो देख रहे हो यार कितनी अच्छी ड्रिफ्ट बजी यहाँ पे, तो यार हम कुछ चुराएंगे पुलिस ने पकड़ना चाहिए, मिलिट्री आ जाती है पता नहीं क्या करने, उनको तो टेररिस्ट को मारना चाहिए, तो वो उल्टा ही चलते हैं मिलिट्री वाले छोटे मोटे चोरों को पकड़ते हैं, पर अब हम छोटे मोटे चोर नहीं रहे। तो भाई साहब यहाँ पर जा रही है एक ट्रेन, तो मैं सोच रहा हूँ अगर इसको मैं फॉलो करूँगा तो इसकी जो ट्रेन होगी ट्रैक तो उसके ऊपर हमें गुफा आराम से मिल जाएगी। तो यार ये तो जाने ही दे रही, इनको शायद शक होगा कि हम इसके पीछे पीछे जाके वही गुफा ढूंढ रहे हैं। तो भाई देख रहे हो कैसे आ गए हैं, वो दो देख रहे हो बैक भी कर दे रहा है लेफ्ट राइट में, पूरा जैसे लड़ाई हो रही है यहाँ पर, रेसलिंग कर रहे हैं गाड़ियों से। तो भाई यार मैं इनकी लिहाज कर रहा हूँ, कब से सोच रहा हूँ कि इनको ना मारूँ ना मारूँ। तो भाई ये स्टिकी बॉम्ब का जादू दिखाना ही पड़ेगा, तो भाई एक स्टिकी बॉम्ब फेंकने की देर थी, तो भाई इधर तबाही मच गई। तो भाई देख रहे हो यार पूरा तबाही मचा रखी है स्टिकी बॉम्ब ने, तो भाई एक रह गया था उसके भी मार दिया, तो उसको देखो भाई अलग ही स्टंट मार रहा, आधा दीवार पे आधा रोड पे है वो। तो भाई इसके ऊपर भी फेंकनी स्टिकी बॉम्ब, तब भाई अब मज़ा आ रहा है इनको। तो भाई यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा फंस गया था, तो भाई देख रहे हो यार स्टिकी बॉम्ब ने हमें बचा लिया। तो यार मुझे लग रहा कि मैं यहाँ फंस जाऊँगा, तो मैं स्टिकी बॉम्ब फेंकने लग गया यहाँ पे। तो यार नेड वगैरह फेंक दी, अगर आगे की तरफ आएंगे सीधे ही उड़ जाएंगे, तो भाई साहब कोई नहीं आया आगे की तरफ, तो यार 2 नेड यहाँ भी फेंक देते हैं।
क्या पता कोई पीछे से आ ही रहा हो, तो भाई यार नहीं आया। तो यार यहाँ से लेना है हमें राइट, तो यार टनल ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई ये कौन आ रहा है सामने? ओ भाई यार मिलिट्री वाले आ गए, जैसे मुझे पता ही था, देख रहे हो अलग ही आ रहा है बीच में से, पानी में से साइड में से आ रहा है, तो पकड़ तो पाया नहीं, पता नहीं क्या करने आ रहा था ये। तो छोड़ो यार इसको, मिलिट्री से तो वैसी दुश्मनी है अपनी, तो गुस्सा तो मिलिट्री को देख के चलता है, करती है नहीं, वो भी पावरफुल वेपन बना के ब्लास्ट गैंग को सेंड कर देती है, पूरे सेलिंग परचेसिंग का काम चलता रहता है इनका। तभी आते हैं जान जान मुझकी गाइस, यार मुझे सब कुछ पता है इनका। तो भाई देख रहे हो मिलिट्री वाले भी आ गए हैं। वो तो भाई यार सामने देख रहा हूँ मैं, ट्रक आ रहा है मिलिट्री वालों का। तो भाई थार ले आए मिलिट्री वाले, ये सिंपल ट्रक पता नहीं क्या लिमोजिन की टक्कर कर लेगा यार, वो ट्रक बिल्कुल होली होली चल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ मैं फंस चुका हूँ, नहीं गाइस मैं फंसा नहीं, मुझे लग रहा है मैं फंस चुका था यहाँ पे। तो यहाँ से ट्रेन ट्रैक मिल गया मुझे गाइस, यार जो मैं कब से ढूंढ रहा था वो अब मिला जाके। तो भाई तुक्के से ही मैं यहाँ पर आ गया था। तो भाई यार मैं आपको एक बात बता दूं, तो लेस्टर ने हमें बोला था कि इसी की नज़दीकी जगह पे किसी पे हमें पार्क लगानी है गाड़ी, तो लेस्टर आएगा वहाँ पर। तो यार यही है वो रास्ता, यहीं आगे पीछे हमने कोई पार्क लगानी थी। पहले यार हम बहुत ही नज़दीक है लेस्टर के, जो जहाँ उसने लोकेशन दी सीक्रेट, तो पहले यार ट्रेन टनल में हम पुलिस को एस्केप करा लेते हैं, तो पुलिस सोचेगी पता नहीं कहाँ चला गया। तो आई होप यार GPS वगैरह ना लगा, अगर लगा भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम कौन सा इसको घर लेके जा रहे हैं, लेस्टर को दे देंगे, लेस्टर इसमें हैक वगैरह करके हटा देगा। तो भाई ट्रेन ना जाए सामने से, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ ना भाई लोग यार सच ही होता है, जैसे आपने देखा ही होगा। तो यार पूरी स्पीड से हम जा तो रहे हैं, तो भाई ओ भाई टनल खुल गया सामने से। तो यार यहीं रुकना चाहिए, कहीं चॉपर वगैरह सामने देख रहा हो अपने को कि आए और सीधा ही बंदूका मारे और हमारा खेल ख़त्म। तो भाई ये पुलिस आ गई यार पीछे, ओ भाई ट्रेन आ गई, इंजन ही आ रहा है। तो भाई पूरी ट्रेन आ गई, तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो भाई जैसे मैं कहता हूँ ना कि ट्रेन आने वाली है, तो वैसे ही आ गई ट्रेन। अगर मैं कहूँगा मुझे पैसे मिलने वाले, वो चीज़ नहीं बिल्कुल भी मिलेगी, और जैसे कहा कि जो मुसीबत का नाम लूँगा वही चीज़ हो जाती है। तो गाइस यार फाइनली हमने पुलिस को एस्केप करा लिया यहाँ पे, बहुत ही 1-2 घंटे लग गए, वो बेचारे ढूंढते रहे, बिल्कुल भी हम बाहर ही नहीं निकले। तो एक ही ट्रेन आई थी, अब तो 2 घंटे बाद तो पता नहीं कब किस ट्रेन ट्रैक से आ जाए। तो लेस्टर को अब हमने कॉल कर लिया था, लेस्टर ने बोला कि अपनी लोकेशन बताओ, तो हमने इसको लोकेशन बताई, तो उसने बोला कि यहीं पर बिल्कुल तुम सही आए हो। तो भाई यार इस लिमोजिन को हमें यहीं कहीं पार्क लगा देनी है थोड़ा आगे, फिर इसको लेस्टर ले जाएगा। तो भाई साहब अपने पिछली वीडियो में देखे होगा लेस्टर क्या फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी चला रहा था। तो भाई यार लगता नहीं है वो बंदा कि ऐसा चला लेगा बुजुर्ग सा, पर यार पूरी उसने एक ही बार में 200 पे लगा दी मैं देख रहा था, और वो पूरा एक भी बिना टक्कर मारे पूरा घर तक पहुँचा था वो। तो भाई अब तो लेस्टर अपने से ज़्यादा ही तगड़ा ड्राइवर लगता है मुझे। तो भाई यहीं पर लगा देते हैं, इसने बोला था कि वहीं कहीं लगा देते, फिर मुझे कॉल कर लेना। तो अब मैं कॉल करता हूँ लेस्टर को। तो भाई 10 मिनट बाद हम देखते हैं लेस्टर आया कि नहीं आया। तो भाई देख रहे हो लेस्टर आ गया, इसका डंडा आ गया गाइस, लेस्टर का बिना डंडे के ही आ रहा है, तो जवान होने की कोशिश कर रहा है ये। लैम्बोर्गिनी वगैरह पूरी चलाता, लिमोजिन चलाएगा। तो भाई मैं नीचे गिर गया यार, ओ भाई मेरा मत्थे ही बजा उसमें यार, क्या है। तो यार लिमोजिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो लेस्टर अभी हमें कह रहा है यहाँ से निकलना चाहिए, कि उसको भी जल्दबाजी में इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यार एक जगह पर जल्दी नहीं खड़ा सकते इसको इस गाड़ी को, क्योंकि GPS वगैरह अगर लगा होगा तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, तो ट्रेस वगैरह हो सकती है अपनी लोकेशन। तो जब हमने लेस्टर को बोला हम जाएँ कैसे घर, तो उसने बोला सामने की तरफ गाड़ी है, पूरा भाग के, ओ भाई बैठने जा रहे थे नीचे, नहीं लेटने जा रहे थे हम उसके। तो भाई इसको तो क्या ही बोलूँ अब मैं। तो भाई लेस्टर ने बोला था कि जो सामने गाड़ी है उसको ले जाओ, तो भाई चाबी भी नहीं दी, हमने लॉक ही तोड़ दिया इसका। तो वो भी डरा हुआ, पता नहीं क्यों डरा। तो यार अब जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। तो गाइज यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू।